जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, जो मंगल देवता 15 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन शाम को 6:22 तक मकर राशि में विराजमान थे, वो मंगल देवता 15 मार्च 2024 को 6:22 पर ही मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 23 अप्रैल 2024 के लिए। मतलब 23 अप्रैल 2024 तक वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो मंगल देवता का मकर राशि से कुंभ राशि में जाना हम सब लोगों के जीवन को, चाहे आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक किसी भी प्रकार की राशि में क्यों ना बिलीव करते हो, किसी भी राशि में क्यों ना बिलोंग करते हो, तो आप सबको यानी हम सबको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इसकी चर्चा करने के लिए मैं गुरु रजनीश ऋषि स्वामी राज ऋषि के साथ आज पुणे आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को भगवान शनि देव की तरफ से, अपनी तरफ से और स्वामी राज ऋषि की तरफ से हार्दिक बधाइयां देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की वर्षा निरंतर होती रहे इस बात की कामना करता हूं। जिन लोगों का आज या तो जन्मदिन है या मैरिज एनिवर्सरी है या उनके जीवन का कोई विशेष दिन है, तो ऐसे सभी लोगों को हम सबकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। तो इसकी चर्चा मंगल देवता का जो राशि परिवर्तन हो रहा है मकर राशि से लेकर कुंभ राशि में, इसकी चर्चा प्रारंभ करने से पहले इस समय यानी 15 मार्च 2024 शाम को 6:22 पर आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या क्या थी, कौन सा ग्रह किस राशि में विराजमान था, सबसे पहले हम उस बात की जानकारी आपको देना चाहेंगे। कन्या राशि में केतु महाराज विराजमान है, वक्री चाल चल रहे हैं। मंगल शनि और शुक्र तीनों जाके विराजमान होंगे कुंभ राशि में। मीन राशि में विराजमान है सूर्य बुध और राहु। बृहस्पति देवता मेष राशि में विराजमान है, चंद्र देवता वृषभ राशि में विराजमान है। तो यह ग्रहों की स्थिति उस समय पर बनती हुई नजर आ रही है। तो बात करूंगा मैं धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, यानी सेगिटेरियस जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों के बारे में। सेगिटेरियस जोडियाक साइन वाले व्यक्तियों यानी धनु राशि वालों, ये जो मंगल देवता का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये मंगल देवता का राशि परिवर्तन हो रहा है आपकी हिम्मत के घर में, आपके भाई बहनों के घर में। और ये राशि परिवर्तन निश्चित रूप से मंगल देवता का यहां आना आपके लिए शुभता ही प्रदान करने वाला है, क्योंकि शनि देव जी का अपना घर है मंगल देवता, वहां पर आए हैं मित्र के घर में और वहां पर साथ ही बैठे हुए हैं शुक्र देवता। शनि और शुक्र देवता वैसे ही मित्र हैं, तो आपकी हिम्मत में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी, आपको अपने भाई बहनों का साथ मिलेगा जो आपको बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। किंतु आपके घर में या आपकी वाहन पर या आपकी माता के ऊपर परेशानियों के बादल दिखाई दे रहे हैं आते हुए, थोड़ा सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। चेताना हमारा फर्ज है, आपको जागरूक करना हमारा फर्ज है, डराना हमारा कोई भी पर्पस नहीं है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, क्योंकि वहां पर ग्रहण योग बन रहा है जिसमें बुध देवता पहले से ही नीच के हैं, तो वो काफी परेशानी का सबब बन जाता है। सूर्य देव को ग्रहण लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। फिर भी यहां पर मैं इस बात के लिए आपको बिल्कुल कहना चाहूंगा कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से हर शनिवार और हर शुक्रवार हमारे शनि पीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में जो जनता दरबार लगाया जाता है, उसमें आप बिना किसी झिझक के अपॉइंटमेंट लेकर हमारे कोई स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर फोन करके आप आ सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी या स्वामी राज ऋषि की हेल्प लेकर उनको अपनी जन्म कुंडली
या अपनी परेशानियां बताकर जो उपाय बताते हैं उनसे मदद प्राप्त कर सकते हैं, उन उपायों को अपनाकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो देर बिल्कुल मत करिए, अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर फोन करिए और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप कहीं हमें भूल जाते हैं। मैं विकास, बिहार का रहने वाला हूँ। मैं नोएडा में जॉब करता हूँ और मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था। हमने बहुत सारे इलाज करवा लिए थे, मेरा स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था। और जाके गुरु जी से मिला, उन्होंने मुझे बाजू बंद पहनने की सलाह दी और बोले कि धीरे धीरे करके तुम्हारा जो समस्या है वो टलता रहेगा। मैं आज पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ। जय शनिदेव। इसके साथ ही आप सभी लोगों को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आप लोगों की सुविधा के लिए भगवान शनिदेव के द्वारा जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी उसके आधार पर हमारे शनि पीठ मंदिर ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है, www.marriagebiodata.app। इस वेबसाइट का प्रयोग आप अपने या अपने परिवार के सदस्यों की शादी के लिए जो बायोडाटा बनाते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। खूबसूरत डिजाइन और साथ ही साथ सजेशन मिलेगा कि आपको मैरिज बायोडाटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, ताकि अगर आप एक अच्छा एक इंप्रेसिव बायोडाटा बना पाएंगे तो एक आप एक अच्छे जीवन साथी को अगर आप एक इंप्रेसिव बायोडाटा भेजते हैं, जो भी आपका अलायंस है वहां पर भेजते हैं, तो उनको वो प्रभावित करेगा और उनको आपको एक यथा योग्य जो व्यक्ति आपके योग्य हो और जैसा आप चाहते थे वैसा जीवन साथी दिलवाने में ये मैरिज बायोडाटा बहुत मदद करने वाला है। तो आप जब भी अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए या अपनी संतानों के लिए बायोडाटा बनाएं तो याद रखिएगा मैरिज बायोडाटा डॉट ऐप, www.marriagebiodata.app पर जाकर अवश्य ही एक खूबसूरत सा बायोडाटा बनाएं खूबसूरत सी डिजाइन में, ताकि आप अपने जीवन में जीवन साथी के रूप में खुशियां ला सकें। जय शनिदेव।